मैं बताता हूँ, देखो मैं किस किस रूम में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है? अपनी क्लासेस दिखाता हूँ भाई। ये देखो पूरा का पूरा स्कूल, ये है हमारा सरकारी स्कूल। मैं न्यू, ये है भाई सरकारी स्कूल। हाँ, आज भी थोड़ा मन करता है कि यार स्कूल में हमारे टीचर से मिले। ये अपना डीएवी कॉलेज है भाई। अंकल जी से पूछेंगे कि हमको वीडियो बनाने देंगे, एक बार पूछना तो बनता है ना। जोड़ के बेनते हैं कि भाई को सब्सक्राइब करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज का ये व्लॉग अपने घर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अपना बीम वगैरह अभी आया है, ये अपने पिलर वगैरह जो लग रहे हैं, ये मिस्त्री जी अपने काम कर रहे हैं, पापा वो बैठे हुए हैं, भाई बिल्कुल कोने में बैठे हैं। तो ये सब चल रहा है। तो ये रावण शेखर। और ब्रो बढ़िया, ब्रो बढ़िया भाई। आज तो उच्छे बनवा रखी पिछले व्लॉग में ना, अच्छा लग रहा है। कलर करवाया था क्या? नहीं। तो भाई आज शेखर की लुक भी तगड़ी आ रही है। तो आज का ये व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर से। एंड आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। लेट उठने का रीजन गाइस, क्योंकि रात को मैं लेट सोया था। टाइम देख सकते हो, 3:16 हो चुकी हैं। और आज हम लोग कहीं पे जाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग गाय को पानी पिलाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा कहीं पे व्लॉग शूट करने। पहले रो हमारे व्लॉग में और देखेंगे आज कहाँ पे जाएंगे। हाँ, तो ये गाय को पानी पिला रहा भाई अपने। और अपने को यार चिकी नहीं दिखाई मैंने आप लोग को काफी दिन से। ये अपनी चिकी, ओए चिकी, ओए चिकी, ओए चिकी। तो अभी चलते हैं एंड चिकी कर देते हैं यार प्यारा वाला हग। क्योंकि भाई घर पे पूरा को पूरा ना काम ही काम बना हुआ है, काम ही काम लग रहा है। और सामने एक और पिलर सेट कर रहे हैं, देखो वो पिलर देख रहे हो, वो पिलर खड़ा कर रहे हैं। दिखाता हूँ कैसे खड़े करते हैं उसको भी। तो भाई अपना यहाँ पे चल रहा है काम, और ये भाई ऊपर चढ़ा हुआ है। अंकल जी पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी। तो वैसे मेरा खाटू श्याम जाने का मन कर रहा है, क्या चल रहे हैं भाई वहाँ पे? पापा से पूछते हैं एक बार। पापा 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 नहीं बताओ आप, अगर खाटू श्याम जाओ इस टाइम करेगा रास्ता ठीक नहीं, रात में जन्मदिन में पहुंचो कल्ला। चलते हैं भाई अपना, देखते हैं। प्लान तो कैंसिल हो गया खट्टू शाम का, फिर देखते हैं चलेंगे वहाँ पे भी। दिन में चलेंगे यार, अभी टाइम लेट हो गया ना बहुत ज्यादा वाला। ब्रो पानी वानी पिला दिया? पिला दिया भाई, पिला दिया। चलो चलें फिर। चलो अभी हम चले हैं एटीएम से पैसे निकलवाने। या। हाँ यार एटीएम से पैसे भी लेके आने, क्योंकि भाई जहाँ पे घर पे काम पे लगे हुए ना, तो सबको पैसे देने हैं। ब्रो रेडी? हाँ रेडी ब्रो। चलो भाई गड्डी भी देखो कितनी गंदी हो रखी है, इसको भी धुलवाएंगे ठीक है अभी। और चलो चलते हैं भाई अभी अपना, सबसे पहले एटीएम में जाके पैसे निकलवा के लाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सीधा अपना स्कूल दिखाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद आपको कॉलेज दिखाऊंगा। रेडी ब्रो? रेडी ब्रो, फुल्ली रेडी ब्रो, फुल्ली। तो गाइस चल रहे हैं अभी हम लोग, और अभी मजा आ रहा है फुल्ली। तो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए हमको जाना पड़ेगा अपने बस अड्डे पे, क्योंकि वहाँ पे एटीएम है, तो वहीं से निकलवा के लेके आते हैं पैसे। ये तो ये भाई जी अपने मैनेजर जी हैं, ये हमारे बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं साहिल जी। पर मैं रजत हूँ। और रजत जी ये जुड़वा है दोनों, मतलब एक ही जैसे लगते हैं। तो आज बताओ कि हमारा एटीएम में पैसा होगा कि नहीं, वो बता दो इनको। नहीं आज एटीएम में कैश खत्म हो गया है, आपको आज पेवा जाना पड़ेगा निकलवाने के लिए, शहर में जाना पड़ेगा इसका मतलब। बिल्कुल चलो चलो ठीक है भाई जी। भाई ये बंदा ना बहुत ही हम्बल बंदा है सही में भाई। तो गाइस जैसे कि आप लोग को भाई ने बताया कि भाई अभी पैसे तो है नहीं, तो अभी हमको जाना पड़ेगा शहर। तो रस्ते में मैं आप लोग को अपना स्कूल भी दिखाऊंगा, एंड साथ में मैं आप लोग को अपना कॉलेज भी दिखाऊंगा जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। इस माय स्कूल, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा स्कूल है। आप लोग को ये मेरा भी स्कूल है। क्या तू भी पढ़ा इसमें? हाँ, थोड़ा सा प्लस टू क्लास मैंने की है। हाँ, प्लस टू इसने की है। और भाई मैं तो 6 से लेके ना 12th तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। दिखाता हूँ मैं आप लोग को आज स्कूल के असली वाले मजे, देखोगे? चलो दिखाता हूँ फिर आज। ये हमारे स्कूल का गेट देखो कितना प्यारा है ना, मस्त लग रहा है ना देखो। सो गाइस ये है मेरा स्कूल GSS मुर्तजापुर। और ये स्कूल के आगे अपनी गाड़ी वगैरह लग चुकी है। एंड भाई कभी का टाइम में सपना होता था कि हम भी अपनी गाड़ी लेंगे एंड स्कूल में आएंगे, क्यों शेखर? तो ये है मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें हम पीछे के गेट से जा रहे हैं, क्योंकि आगे के गेट पे लगा हुआ है लॉक, ताला। वो भी पता है क्यों गाइस? क्योंकि यार टाइम देखो अभी 3-4 बजे हुए हैं, तो बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो स्कूल की छुट्टी मतलब लॉक कर दिया है आई थिंक, ये भी कर ही रखा है लॉक। फिर हमको दीवार टापने वाला काम करना पड़ेगा ना। दीवार बहुत टापते हैं पहले स्कूल से बाहर आने के लिए, दीवार टपते थे, अब अंदर जाने के लिए दीवार टपेंगे। देख रहे हो गाइस ये भी दिन है। तो ये अपना गेट है बैक साइड का, ये ताला लगा रखा है। तो दोस्तों देख सकते हैं काल भाई टप रहे हैं अपनी दीवार, ये देख सकते हैं। इधर तो सीढ़ी लगी है, ये देखो सीढ़ी है, देखी तूने? हां देख लिया, देख लिया भाई। अभी बारी आई है मेरी। अब गाइस ये टपेगा अपना दीवार, देखो इधर की साइड तो सीढ़ी लगी हुई है। आजा शेखर जल्दी चल। तो गाइस बूम, ये है पूरी जन्नत गाइस, देखो कितना मजेदार है ना स्कूल। आई थिंक हरियाणा का सबसे बेस्ट स्कूल यही है ना। क्योंकि गाइस ना ये स्कूल को जब हमारे टाइम में बनने लगा था ये, और अभी भी इसके अंदर काम चल ही रहा है। अगर पीछे आपको आवाज आ रही हो मशीन की, तो अभी भी काम चल रहा है। तो आपको दिखाते हैं अभी आगे। सबसे पहले आप पार्क देखो यार गाइस, ये देखो पार्क, क्या ही तो पार्क है गाइस। भाई ये देखो पूरा का पूरा स्कूल, ये है हमारा सरकारी स्कूल।
मैं न्यू, ये है भाई सरकारी स्कूल। हाँ, आज भी थोड़ा मन करता है कि यार स्कूल में हमारे टीचर से मिले। हमारे टीचर आज भी हमसे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, हमको मोटिवेट करते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो आपको पार्क के अंदर जा के दिखाता हूँ मैं अभी। सो गाइस, ये अपना पूरा का पूरा पार्क। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क है ना, मजेदार से कर। मजेदार है भाई, ये देखो फूल, ये देखो गाइस यहाँ पे बनाई हुई, ये देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड ये हमारा पीछे की तरफ का पार्क है। कौन सी क्लास थी ये? मैं पता कौन कौन सी क्लास में पढ़ा हूँ, मैं बताता हूँ। देखो मैं किस किस रूम में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, अपनी क्लासेस दिखाता हूँ। तो ये भी मैं इस छोटे से रूम में भी मैं पढ़ा हूँ भाई साहब। हिस्ट्री क्लास लगती थी इसमें हिस्ट्री क्लास लगती थी। मैं इस रूम में भी पढ़ा हूँ, इसमें भी पढ़ा हूँ, उसमें भी पढ़ा हूँ, सारे रूम्स में ना, तो जितने भी स्लाइन में रूम है उसमें, इन सब में मैं पढ़ा हुआ हूँ। ये देखो स्कूल के सामने इतना अच्छा पार्क है ना कि बच्चों का पढ़ने में अलग ही मन लगता है। ये पार्क देखो गाइस यार कितना ब्यूटीफुल है, ये देखो इतना अच्छा भाई। हरियाणा का स्कूल है ये। तो गाइस ये बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा देखो। तो ये है हमारा स्टेज जहाँ पे हम लोग सुबह सुबह भाषण दिया करते थे। वो बात अलग है कि मैंने आज तक भाषण नहीं दिया, क्योंकि यार मैं डरता हूँ हमेशा से स्टेज पे चढ़ने से भाई, डरता हूँ सही में यार, बहुत डर लगता है, अलग ही लेवल का। तो काफी बार इंसल्ट भी है मेरी स्टेज पे भाई, स्टेज पे, इसी स्टेज पे भाई मुझे मुर्गा बना के मारा गया है। इसको भी नहीं, मैं आज तक ना भाई प्रेयर में आया नहीं यहाँ पे। प्रेयर भी नहीं आया तू? प्रेयर ही नहीं की मैंने स्कूल में आज तक यहाँ पे। मुझे लगा कि भाई ये बंदा तो पक्का पीटा होगा, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा शरारती है। तो ये रहा हमारा ऑफिस, एंड ये हमारा स्कूल टूर था, है ना, बढ़िया था ना। पीछे वाला भी दिखाया क्या भाई? पुरानी यादें ताजे हो गया यहाँ पे। हाँ, और ये देख सकते हैं हमारा बैक साइड है जहाँ पे पार्किंग एरिया है। यहाँ पे सारी की सारी पार्किंग के लिए रखी जाती है गाड़ियाँ वगैरह, जितने भी टीचर आते हैं सबकी गाड़ियाँ यहाँ पे लगती हैं, ठीक है। एंड चलते हैं हम लोग सीधा अपने कॉलेज की तरफ। अब मैं आप लोग को कॉलेज दिखाऊंगा, पता नहीं यार कॉलेज में घुसने भी देंगे कि नहीं। जल्दी बंक मार भाई, अब निकल रहे दीवार टप रहे हैं हम लोग। वैसे तो छुट्टी हो चुकी है कॉलेज की, तो चलो भाई मैं भी टपता हूँ दीवार। तो ये आगे चिल्लर पार्टी सारी की सारी। और बच्चे क्या हाल है? तेरे चक्कर में किसका पंचर हो गया साइकिल का? तेरे चक्कर में कंधा भाई चढ़ा दे। बाय ब्रो, बाय। चलो भाई दिखाने के लिए गोली चलते हैं भाई। अब चलो भाई, अपना गोली भाई है, अपना स्कूल का टाइम का फ्रेंड है, तो भाई साथ में पढ़े हैं। चाह पानी कुछ नहीं यार, अभी चलते हैं, हमने पापा का काम करना है आज। नहीं नहीं कुछ नहीं, राजन डॉन साहब। तो भाई ये भी अपने स्कूल टाइम का फ्रेंड है सारे के सारे। तो फिर मिलते हैं भाई, है आप लोग शूट कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं शहर में, एंड 10 किलोमीटर का पूरा सफर हम लोगों ने पार किया है, और अभी सामने की तरफ है हमारा कॉलेज, बिल्कुल सामने। तो अभी सीधा अपने कॉलेज में जाएंगे। डीएवी कॉलेज वेलकम यू, वेलकम्स यू, ठीक है। तो ये अपना डीएवी कॉलेज है भाई, मैं इसमें ज्यादा तो नहीं पढ़ा, पर फिर भी मैं आप लोगों को कॉलेज दिखा सकता हूँ। अंकल जी से पूछेंगे कि हमको वीडियो बनाने देंगे, एक बार पूछना तो बनता है ना। तो ये बैठे हमारे अंकल जी, दिखा। अच्छा, अभी कॉल पे लगे हुए हैं, तो इनसे बीच में परेशान नहीं कर सकते, पता चले हमको डांट दे। तो भाई अंकल जी ने हमको परमिशन दे दी है, तो ये देख सकते हैं आप लोग हमारा कॉलेज है। तो ये देखो भाई दिखाता हूँ, तो ये अपना कॉलेज है भाई, डीएवी कॉलेज। कैसा है मेरा कॉलेज? अच्छा है भाई। तू तो नहीं पढ़ा इसमें कभी? मैं भी डीएवी में पढ़ता हूँ, मैं पर करनाल पढ़ता हूँ, ये पेवा पढ़ता है। हाँ, तो गाइस ये अपना कॉलेज पूरा देख सकते हैं आप लोग। तो भाई ये मेरा कॉलेज है भाई, वैसे तो बहुत बढ़िया है, तो आप लोग को दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। तो ये अपना पार्क है जहाँ पे हम लोग बैठते थे। तो भाई हम ज़्यादा देर नहीं यहाँ पे रुक सकते, क्योंकि अंकल जी ने हमको बोला है कि भाई जल्दी जल्दी से शूट करो और उसके बाद जल्दी से जाओ, क्योंकि अंकल जी हमको फिर डांट ना दे। हम तो वैसे ही बच्चे हैं यार, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं बड़ों के सामने। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये अपने स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह। तो बहुत बढ़िया है वैसे, था ना? अच्छा है भाई, अच्छा है। भाई मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ पता है इधर पे, फिर भी आप लोग जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ जितना अपने से हो सकता है, ठीक है। तो चलो गाइस, आई होप आप लोगों ने देख लिया। एक दिन ना स्पेशल कॉलेज का व्लॉग दिखाएंगे ना। हाँ भाई, क्योंकि ना आज यार ना इनकी भी मजबूरी है अंकल की, इनको ना ड्यूटी देनी पड़ती है यहाँ पे। हाँ, तो ये फिर भी हमारे को भेज रहे हैं यहाँ पे। हाँ गाइस, वैसे ना ऐसे आने नहीं देते, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है, तो छुट्टी के बाद ना कॉलेज में आना अलाउड नहीं है, पर फिर भी अंकल जी ने हमारे लिए इतना किया कि हमको अंदर आने दिया, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो गाइस, आप लोगों ने मेरा कॉलेज तो देख लिया है, अब हम लोग को सीधा एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, एंड सीधा हम लोग जाएंगे अपने घर पे, सीधा पापा को पैसे पकड़ा देंगे, ठीक है।
अभी अपने को जाना है कुछ खाने के लिए, क्योंकि यार ना मार्केट में काफी स्ट्रीट फूड की शॉप्स लगी हुई है, तो हमारा भी मन कर रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो खा के चले क्यों। हाँ भाई चलो चलते हैं भाई, चलो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। तो भाई अभी बर्गर वगैरह खाने हैं, भाई अभी खाएंगे बर्गर उसके बाद जाएंगे घर। तो भाई आ चुका अपने बर्गर, तो गाइस आ चुका है बर्गर, अभी हम खाएंगे बर्गर, बर्गर में टिक्की भी है। चलो खा के चलते हैं भाई अपना। तो भाई अपनी गाड़ी लगी है वॉश पे, देख सकते हो, एंड इसको धुला के चलते हैं। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी पूरी तैयार हो चुकी है, देख सकते हो, लेट्स चेक आउट दिस भाई, क्या मस्त लग रही है। अभी काफी टाइम हो गया था इसको धुलवाए हुए। तो भाई ये अपना अड्डे पे वो है, मुर्तजापुर अड्डे पे जो कि शॉप है अपनी है, जिस पे अपना भाई अपना कार वगैरह वॉश करता है, जो कि अपने बड़े भाई की शॉप है। तो भाई सब बंदे आना विजिट करना, कुछ बोलना चाहोगे भाई? जरूर विजिट करें एक बार, सेवा का मौका दें जरूर। और मेरा नाम लेगा कितना परसेंट डिस्काउंट दे दोगे? परसेंट ही परसेंट है आपके, डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। अल्लाह भाई डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। तो भाई सारे बंदे आना एक बार भाई की शॉप पे, जरूर विजिट करना है ना। चलो आप चलते हैं, ठीक है भाई, प्रमोशन कर दिया अपना भाई का, भाई सारे बंदे जरूर आइयो। बोल बोल सरपंच, सरपंच सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोल, कर कर बड़ा बड़ा जोड़ जोड़ के बेनती है कि भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करें। हाँ ठीक है, लव यू गाइस, किस दे दो इस वास्ते, लड़की ढूंढ दो किसी बात का।